के चमार लोग तुम लोग फोटो लेने के लिए बोल रहे हो, फोटो लेना है, वीडियो ले रही है क्या? चर्चों पे बैठी है औरतें। कब हुआ ए बुआ, इतनी उदास क्यों हो, इतनी उदास क्यों हो? चार परेटा खाए बहन, बाप मोह लगी ये आनंद कहाँ मिलेगा? गोलू तो ऑफिस में है ना। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय प्रभु तिरुमलेश्वराय, देववाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए वासुदेव भगवान की जय। पप्पू जो आपके साथ में खाता है, आपके साथ में सोता है, दादाजी पप्पू आपका, तो वहां पे पप्पू गप्पू की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सरलता पूर्वक मर नहीं पाएंगे फिर दादाजी। पप्पू को याद करेंगे ना तो फिर नाती पोता बन के आएंगे, क्योंकि सिद्धांत है, इसे नोट करो आप, सूत्र है कि अंते मति या सा गति, अंतिम समय में अपनी मति जिसमें लगाओगे, आपकी मति जिसमें फंसी मिलेगी वही गति। सही बता रहा हूं, ये सूत्र है, वो शास्त्र के सिद्धांत है। तो वो क्या हुआ, जड़ भरत ऋषि ना उस मृग के बच्चे में इतने आसक्त हो जाते हैं, पुत्रवत स्नेह करने लगे, उसके बिना ना उनका मन नहीं लगता था, भजन भी जब करते ना तो मृग उनके समाधि में ध्यान में भी आने लगता, इतना चिपकाव हो गया था उस मृग के बच्चे से। और जब समाधि में बैठते तो मृग का बच्चा जो था पीछे से आता ना, और अपनी जिह्वा से ना वो जड़ भरत ऋषि जी को जब चाटने लगता और सिर से जो है उनके शरीर को खुजलाने लगता तो समाधि भंग हो जाती, और जब समाधि भंग हो जाती तो उस मृग के बच्चे को गोदी में लेकर के ना खूब लाड प्यार पुत्रों के समान करने लगे। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि उनका अंतिम समय आ गया जड़ भरत ऋषि जी का, अब मरते समय सरलता पूर्वक मर भी नहीं पा रहे हैं, अब बार बार वो मृग का बच्चा ही उनके चित्त में आ रहा, मैं मर जाऊंगा तो इस मृग के बच्चे का क्या होगा, मेरे अलावा तो इसका कोई नहीं है। मरते समय उस मृग के बच्चे को याद करके मरे तो भागवत महापुराण में लिखा गया है कि जड़ भरत ऋषि दूसरे जन्म में मृग बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक कथा और आती है राजा पुरंजन की, पुरंजनोपाख्यान नाम से भागवत में एक प्रसंग है। वो मरते समय अपनी स्त्री को याद किया था, मैं मर जाऊंगा तो हमारी पत्नी का क्या होगा, मरते समय अपनी स्त्री को याद करके मरा, दूसरे जन्म में स्त्री बन गया। बोलो गोविंद गोपाल भगवान की। इसलिए बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, बुजुर्गों ने जो पहले कहावत कही है ना,
चारा काटते हुए, चारा बालते हुए, पशु खिलाते हुए जो ठेठ भाषा में बोल दिए है ना, वो भी ना वेदांत है, जान लीजिए वेदों का सार ही बोल दिए हैं वो बुजुर्ग लोग। उन्होंने कहा है कि अंत भला सो सब भला, अंत भला सो सब भला। जब अंत आपका अंत सुधर जाए, अंत भला हो जाए, तो जानिए सब कुछ भला। अंतिम समय में अगर भगवान का नाम आ जावे तो जान लीजिए सब भला। और जीवन भर भले नाम न लिए हो, अंतिम समय में आ गया तो सब भला। लेकिन आएगा कैसे, क्योंकि अभ्यास जिस पर आपका ज्यादा होगा वही नाम आवेगा। सही बात है ना, अभ्यास आपका किस पर है, यहाँ पे प्रश्न यह खड़ा होता कि आपका अभ्यास किस पर है। गीता का वाक्य है, गीता में भगवान ने कहा सदा तद्भाव भावितः। आप ज्यादा समय तक जिस पर अभ्यास करेंगे, अंतिम समय में उसी को याद करेंगे, उसी भाव को प्राप्त होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, एक सुनार था, स्वर्णकार, भगवान का नाम कभी नहीं लिया था, वो सोना चांदी ही जपा करता था, पूरा जीवन सोने चांदी की रेत में गुजार दी वह स्वर्णकार। एक दिन चारपाई पे पड़ा तो पड़ा ही रह गया। 7-5 बजे उठने वाला वो स्वर्णकार आज 9 बज गया, अभी तक नहीं उठ पाया। चारों पुत्रों ने जब देखा कि अभी तक पिताजी उठे नहीं, चद्दर हटाते हैं, देखते हैं कि आंखें खुली की खुली। श्वास थोड़ा थोड़ा चल रहा था। चार भैया थे, बड़ा वाला बोला राधे श्याम, दूसरे नंबर वाला बोला हाँ सीताराम। बोले पिताजी की स्थिति तो बहुत गंभीर है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो वसूली तो डूब जाएगी, सारी वसूली डूब जाएगी, लंबा घाटा लगेगा, इसलिए कछु उपाय करो कि इमरजेंसी एनर्जी मिले बाबू को, कम से कम कस्टमर का नाम तो बता के मरे कि किस कस्टमर के यहाँ पे कितना वसूली है, कितना एफडी करा के रखे हैं, उनका नाम तो बता दे, नहीं तो वसूली डूबेगी, लंबा घाटा लगेगा। तो तीसरे नंबर वाला जो भाई था उसका नाम राधे श्याम, सीताराम, राधेश्याम, घनश्याम, गोपाल। बोला गोपाल भगवान की। चारों भैया जाते हैं सुनार के डॉक्टर के पास हो, बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। बोले इमरजेंसी में क्यों आ गए आप लोग, 12 बज रहा देख रहे हो। बोले क्या करें, इमरजेंसी केस है तो इमरजेंसी में जाना पड़ा। बोले बताओ क्या बात है। बोले पिताजी बहुत स्थिति उनकी बहुत गंभीर है, कब प्राण निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कंठ तक प्राण आ गया है, श्वास थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब, सारी वसूली डूब जाएगी, अगर पिताजी मर गए तो वसूली डूब जाएगी, किस ग्राहक के यहाँ कितनी वसूली है, कहाँ पे कितना धन है, बैंक में कितना रुपया है, सब डूब जाएगा। इसलिए आपके पास कछु तो उपाय होगा ही, कोई इमरजेंसी एनर्जी देने वाला कोई अच्छा सा इंजेक्शन हो तो लगा दो बाबूजी को, लगाओ। डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी फीस जानते हैं। बोले हाँ। पूजा हुई समाप्त और हम चलते हैं गांव के मार्केट। वैसे तो हम समोसा टिक्की चाट खाते नहीं है, बट हमारे कुछ यूट्यूब चैनल में ऐसे लोग हैं जिन जो टिक्की चाट के बहुत बड़े लवर हैं, तो उनको जलाने के लिए और दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो आप लोग भी जलिए और ललचिए। हाँ, क्या छुट्टी, हम मिले गए स्कूल।
एक घंटे बाहर और निकले होते और अच्छा लगता। तो मत तुम